नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जो भी लोग होम्योपैथी में रुचि रखते हैं उन्हें आज का वीडियो देखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, जैसे व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप होती है, ऐसे ही होम्योपैथिक दवाइयों के बीच में भी रिलेशनशिप होती है। जैसे कुछ होम्योपैथिक दवाई आपस में अच्छी दोस्त होती हैं, इन दवाइयों को अगर मरीज को साथ साथ दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपस में दुश्मन होती हैं। इन दवाइयों को अगर एक साथ हम किसी पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, उल्टा इन दवाइयों का एग्रावेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ये होम्योपैथी की परस्पर दुश्मन दवाइयाँ एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जबकि कुछ दवाइयाँ एक दूसरे की मित्र होती हैं, इन्हें पूरक दवाई कहते हैं। जैसे होम्योपैथिक दवाई एकोनाइट के साथ में अगर हम सल्फर देते हैं तो ये दवाइयाँ एक दूसरे की पूरक हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एकोनाइट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हम उसको एकोनाइट दे रहे हैं, अगर उसके साथ साथ हम उसको सल्फर भी दे दें तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरक दवाइयों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है परस्पर दुश्मनी रखने वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ, इनको इनिमिकल मेडिसिन कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इनिमिकल मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पेशेंट को इन दवाइयों को कभी भी एक साथ नहीं देना है। दोस्तों, एक होम्योपैथिक दवाई है, इसका नाम है काफिया। ये दवाई अगर किसी पेशेंट को बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, तो काफिया देने से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। लेकिन काफिया दवाई बहुत सारी दवाइयों के साथ दुश्मनी रखती है। अगर आप किसी पेशेंट को नींद लाने के लिए काफिया दे रहे हैं तो उसे उसके साथ में आप अर्जेंटम नाइटिकम नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। दूसरी काफिया की दुश्मनी है कैंथेरिस से। अगर आपके शरीर में कहीं भी जलन हो रही है, उसके लिए आप कैंथेरिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भूल कर भी आप काफिया के साथ में ना दें। इसी तरह से काफिया की दुश्मनी इग्नेशिया के साथ में भी है। इग्नेशिया को भी तनाव को दूर करने के लिए दिया जाता है और काफिया को भी तनाव को दूर करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये दोनों दवाइयाँ एक साथ नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों दवाइयाँ एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। दोस्तों, इसी तरीके से लाइकोपोडियम के साथ भी काफिया को नहीं दे सकते। तो काफिया इकलौती एक ऐसी दवाई है जिसकी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में दुश्मनी रिश्ते हैं। इसी तरह से स्ट्रामोनियम के साथ में भी काफिया के दुश्मनी रिश्ते हैं, कोलोफालियम के साथ में भी काफिया के दुश्मनी रिश्ते हैं। दोस्तों, अब हम काफिया से अलग कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के आपस के दुश्मनी रिश्तों के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण दवाई है बेराइटाकार्ब। बेराइटाकार्ब अगर आप कैल्केरियाकार्ब के साथ देते हैं तो आपस में दोनों के दुश्मनी रिश्ते हैं, इन दोनों दवाइयों को भी साथ साथ नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से आप बेलाडोना के साथ में डलकमारा को नहीं दे सकते, ब्रायोनिया के साथ में कैल्केरिया कार्ब को नहीं दे सकते, कैल्केरिया फोस के साथ में भी आप बेराइटा कार्ब को नहीं दे सकते। कॉस्टिकम एक बहुत अच्छी दवाई है हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए। दूसरी फास्फोरस भी बहुत अच्छी दवाई है हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए, लेकिन दोनों को एक साथ साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही दवाइयाँ एक दूसरे की दुश्मन हैं। ऐसे ही एक होम्योपैथिक दवाई है कैमोमिला। अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैमोमिला देते हैं। उसके साथ में अगर उस व्यक्ति को गैस बनती है, पेट की प्रॉब्लम है, तो हम कई बार सोचते हैं कि इसको नक्स वोमिका भी साथ साथ दे दें, लेकिन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कैमोमिला और नक्स वोमिका दोनों एक दूसरे की विपरीत दवाइयाँ हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को हम कमजोरी में चाइना देते हैं, यानी सिनकोना देते हैं। अब कमजोरी की एक दूसरी दवाई है, इसका नाम है सेलेनियम। ये भी कमजोरी में काम करती है। तो इन दोनों दवाइयों को कुछ डॉक्टर चाहते हैं कि साथ साथ दे दें, लेकिन इनको भी साथ साथ में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चाइना और सेलेनियम दोनों एक दूसरे की विरोधी दवाइयां हैं। दोस्तों, इसी तरह से होम्योपैथी में लाइकोपोडियम का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर लाइकोपोडियम के साथ साथ सल्फर को देते हैं, लेकिन दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है। लाइकोपोडियम और सल्फर एक साथ देना बेहद गलत है, क्योंकि इन दोनों दवाइयों का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो दुश्मनी का संबंध है। इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी को कोई घाव हो गया है, उसमें पस पड़ गया है, तो ऐसे में दो होम्योपैथिक दवाइयां खास करके इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ डॉक्टर साइलेसिया का भी प्रयोग करते हैं, कुछ डॉक्टर मर्कसोल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों दवाइयां भी एक दूसरे की दुश्मन है। तो या तो आप साइलेसिया का प्रयोग कीजिए अगर साइलेसिया के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मर्कसोल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मर्कसोल का प्रयोग कीजिए, लेकिन भूलकर भी इन दोनों दवाइयों को साथ साथ इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से दोस्तों, रस्टोक्स और एपिस, ये दोनों भी एक दूसरे
दूसरे की दुश्मन दवाइयां हैं। खांसी और बुखार में अधिकतर होम्योपैथिक डॉक्टर इपिकॉक होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को साथ में कब्ज की भी समस्या है और डॉक्टर चाहता है कि साथ में मैं इसे कब्ज की भी दवाई दे दूं, तो कुछ डॉक्टर उसे ओपियम दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ओपियम को बिल्कुल भी इपिकॉक के साथ में नहीं देना है, क्योंकि दोनों दवाइयों के आपस में जो रिश्ते हैं वो दुश्मनी के रिश्ते हैं। इसी तरह से कार्बोवेज के साथ में क्रियोजोट को नहीं देना है, कार्बो एलिमेलिस को नहीं देना है। दोस्तों, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो मैं सभी के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको खास खास होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं और उनके परस्पर दुश्मनी के रिश्ते बताए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड भाग भी बनाऊंगा। ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें। मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।